हुड़ हुड़ दबंग 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 मैं हूँ दबंग 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 मगर श्रेया इतना नपतुला गाती है बहुत खूबसूरत किसी आहा के लिए मैं गा रहा हूँ सलमान भाई के लिए आहा मुझे वहाँ उनके लिए सुनना पड़ेगा अरिजीत सिंह उनका कोई जवाब नहीं है बहुत फैंटेस्टिक सिंगर किया कराया मिल रहा है आज की जनरेशन को यूं ही चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है नमस्ते सस््री आदाब प्रणाम मैं हूं आपकी अपनी और आप देख रहे हैं आर रागा दोस्तों जो आज के हमारे मेहमान हैं फनकार हैं वो बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर तो है ही हैं नहीं मैं कहूंगी कि बॉलीवुड के दबंग सिंगर हैं इनफैक्ट इनके गानों के बिना बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ना अधूरी होती ये एक बहुत ही शाही और राजसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि म्यूज़िक इनके खून में है तो चलिए बिना इंतज़ार कराए बुलाते हैं शबाब साबरी को Thank you. अगर इजाजत हो तो मैं आपके स्वागत में एक और बात कहूँ जरूर बुरा तो नहीं मानेंगे ना आप? नहीं नहीं, नहीं। चलिए मैं कह देती हूँ वैसे तो कहते हैं कभी महफिल जमानी हो तो कहते हैं शराब भी है कबाब भी है और शबाब भी है लेकिन अगर ये शबाब है तो शराब और कबाब की क्या जरूरत है ओ, oh, <laughs> ये तो बहुत दबंग से भी ऊपर स्वागत हुआ है और बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्टूडियो में आने का और काफ़ी तारीफ सुनी है और आज, आज आपके रूबरू हम तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये शाम बिल्कुल शबाब जी आप मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपकी आवाज़ के बिना सलमान खान को दबंग बनाने में आपकी आवाज़ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है अगर आपकी आवाज़ नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो दबंग जो है वो निकल के नहीं आता तो आप इस लेवल पर हैं आज जिस इस लेवल पर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं Uh, लेकिन साथ ही साथ आजकल एक सोशल मीडिया जी जी जो है उसका जमाना चल रहा है और यू uh, नो you know, एक अलग ही वो दुनिया है तो उस दुनिया में कितना कंफर्टेबल हैं आप और जब आप सोशल मीडिया पर जो नंबर गेम्स होते हैं क्या वो आपको अफेक्ट करते हैं या फिर आप जिस पोजिशन पर हैं और जो अपना काम कर रहे हैं आप उसमें खुश हैं देखिए आपकी बातों में दो बातें हैं जैसे मैं पहली बात सलमान भाई के लिए बोलूंगा वो मेरे लिए एक नायाब तोहफा है कुदरत का जिनकी बदौलत मैं आज आपके कानों में बसा हूँ हम तो ये कहेंगे कि आपकी आवाज़ उनके लिए नहीं है। वो अलग बात है वो मगर मेरी भी है।, है सबसे पहले मैं इस चीज़ का जो श्रेय है वो देना चाहता हूँ मिस्टर डायरेक्टर को अच्छा, ओके। जिनकी बदौलत मेरी वॉइस वहाँ से ट्रांसफ़र होकर सलमान भाई तक पहुँची है तो ये ऑलमोस्ट जितने डायरेक्टर हैं जिनके लिए मैंने काम किया नंबर वन पे मैं बोलूँगा साजिद वाजिद सर जिनकी बदौलत काफ़ी गाने फिर दूसरे हिमेश भाई आपने प्रेम रतन धनपा जलते दिए जो सॉन्ग मुझे दिया और मैं सभी के लिए किया है मगर ये बात रही है एक तो ये और आज का जो आपका ये जो न्यू जनरेशन के लिए आप ये गेम हो रहे हैं ये हो रही बातें जो चीज सब चल रही हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आज के लिए क्योंकि यूं ही चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है तो आज का वक्त वो है आज आपको किया कराया मिल रहा है आज की जनरेशन को हुँ, हुँ, हुँ। जब हम लोग थे स्टार्ट हुए थे ना कोई प्लेटफॉर्म था कुछ नहीं था उस वक्त आज आप इस चैनल में फेल होते हैं तो आप उस चैनल पहुंच गए आपके लिए बहुत है। है। बहुत बेनिफिट आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो ये आज आपने जो हमारे चैनल्स हैं उनको सलाम है जो आज के जनरेशन को ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म दिए हैं उनके लिए बहुत इजी हो गया है कि वो अपना नाम पैदा कर सकते हैं मगर अपना इल्म तैयार रखिए जिसके बदौलत आप उड़ान भरेंगे Roots, जड़े, अपनी yeah. जड़े बहुत बढ़िया कहा आपने हमने सलमान जी की बात कर ली दबंग की बात कर ली आपकी बुलंद आवाज की बात कर ली तो एक गाना तो बनता है जरूर क्यों नहीं थी हो यारों के लिए वो सच्चा यार है दुश्मनों को काटे वो तलवार है एक बल बिना जब गए पलक जब शेर देखे शिकार को जब रब का साया साथ हो तो झुकता देखा संसार को मेरी अपनी मौजे हैं मेरे अपने धारे हैं आजाद बशिंदा हूं मैं अपने रब का बंदा हूँ मू दबंग हड़ु हु बंग दबंग 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 दबंग, 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 दबंग। क्या बात है यू नो खड़े होना अलाउड नहीं है वरना तो मतलब बैठना <laughs> मुश्किल हो गया था आई टू डांस वाव लेकिन यही आपकी बुलंद आवाज है यही आवाज में आप इतना ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना भी गा लेते हैं मतलब ये कैसे हो सकता है या तो आवाज़ वहां हो या यहाँ हो या यहाँ हो बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट है मतलब अगर हमें नहीं पता हो तो आ, समझना बहुत मुश्किल है कि एक आ, आपका जो नैनो का गाना है वो भी जो है शबाब जी ने गाया है और हुड़ हुड़ भी शबाब जी का ही ए, मतलब इन गानों के पीछे फिर चाहे हम का पीनी है पीनी है हो इन गानों के पीछे एक ही आवाज़ है अगर पता ना हो तो पता करना बहुत मुश्किल है मतलब ये, एक चीज ऐसी है ना जैसे पीनी है पीनी के अंदर जब मैंने गाया था तो उसमें वॉइस के दो वेरिएशन थे ओके ओके तो एक तो एटीट्यूड है हाँ। आ, मुखड़े के अंदर जब क्रॉस पे आते हैं ना वहाँ बहुत नटखटपन है वो कभी सुनना आप तो वो पार्ट में जब नटखटपन है तो आदमी ये डिसीजन नहीं ले सकता कि एक ही सिंगर गा रहा है ओके तो लगता है वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने और सलीम ने गाया है हाँ। और जब वो लगता है कि यार ये वॉइस जो है ये अलग वॉइस है बनावटी वॉइस है हाँ। फीमेल तड़का है हाँ। अरे गौरियां खोगे पैमाने पैमाने गौरियां खोगे हाँ। दो दो जिंदा है मैं खाने मैं खाने कोरियां खोके ना कर सा कीणियां वणियां पीनी है पीनी पीनी है 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 दतिया जीनी जीनी है, जीनी जीनी है, रे हमका पीनी, हा, बीनी हा, हमका पीनी है हमका पीनी है पीनी है, हमका पीनी है पीनी है हमका पीनी है तो दो क्वालिटी आती है अच्छा अभी आपने बात करी एटीट्यूड की और यू you नो know, गाने में एटीट्यूड और एक स्टाइल तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं Uh, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि uh, ये मेनली एंटरटेन इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन ये एंटरटेनमेंट और एक स्टाइल फैक्टर को या जो जो जिस एक्टर पर ये पिक्चराइज हो रहा है उसको रखकर दिमाग में गाए जाते हैं और आप जिस घराने से हैं वहाँ संगीत की आम शोर पूजा होती होगी संगीत सिर्फ कमाने का जरिया नहीं है यू नो संगीत सब कुछ है तो जब आप ऐसे गाने गाते हैं तो कहीं ऐसा कभी लगता है कि आप क्रिएटिविटी के साथ थोड़ा सा धोखा कर रहे हैं या फिर उसके दायरे से बाहर आ रहे हैं कभी ऐसा होता है या नहीं होता है ऐसा कभी नहीं मैंने ऑलमोस्ट सभी एक्टर के लिए गाया है हुँ. और उस एक्टर के लिए मैंने गाया एक न्यू एक्टर के लिए मैं गा रहा हूं वो मुझे पैसा भी दे रहा है और सब कुछ दे रहा है उसका तो ये मानना है कि इन्होंने इन्होंने मेरा गाना सलमान खान का अक्षय कुमार का अजय देवगन का गाना गाया है तो ये मेरा गाना गा रहे हैं तो मेरी ईमानदारी है कि मैं उनके हिसाब से ढलू उससे बेटर करूं क्योंकि मैं वहां पे मैं कर सकता हूं हूँ किसी के लिए मैं गा रहा हूं सलमान भाई के लिए मुझे वहां उनके लिए सुनना पड़ेगा और कोई मेरे ऊपर इतना भरोसा कर रहा है तो मैं उसको हंड्रेड में से हंड्रेड दू ब्यूटीफुल wow, ब्यूटीफुल मैंने हमेशा आपके जो भी आप है लेकिन आपने मेहनत भी आम शोर करी होगी बिना स्ट्रगल और मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है आप ये भी अग्री करेंगे मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल तो कोई ऐसा किस्सा आप सुनाना चाहेंगे हाँ ऐसा किस्सा है आज मैं आरवी के थ्रू आरवी चैनल पे हूँ और ये बात ये फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे से मालूम की है अच्छा। और तुम तो उसका आज शेयर करता हूँ उस बात को उसका कारण ये है कि फर्स्ट टाइम मैं माइक पे खड़ा हुआ गाने के लिए और गाना डैडी के साथ गाना और वो गाना एक इतिहास भरा भरा उसने गाने ने गाना था तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त और उस गाने के लिए जब मुझे बोला गया कि शबाब ये गाने के अंदर ये क्लासिकल पार्ट गाएगा जो मेरे पिक्चराइजे पिक्चराइजेशन भी मेरे ऊपर हुआ है तो मैं जब स्टूडियो पहुंचा अब मुझे प्रैक्टिस की जा रही है और गाया नहीं जा रहा है तो ये भी बोला जा रहा है कि शबाब को रिप्लेस करते हैं किसी और को गवाते हैं ये करते हैं आपके डैडी तो के सामने डैडी के सामने सब लोग बैठे हैं कि बहुत टफ पार्ट था और किसी कारण एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर ऐसा है कि कभी लाइट चली गई कोई इंस्ट्रूमेंट फट गया है तबला ढोलक या कोई तार टूट गया है या लाइट चली गई उसे बोलते हैं इंडस्ट्री में कि ये हिट सॉन्ग है ओके okay. अच्छा ये हिट okay. सॉन्ग है okay. आज भी okay. उस दिन स्टूडियो की लाइट चला गया लाइट गया सब लोग बैठे मेरे सोचा यार ये स्ट्रगल ये अच्छा हुआ आज तो स्टूडियो में नहीं हो रहा कल तक हो जाएगा मैं इसको और अच्छे से याद कर लेता हूँ ओके okay, ओके okay. कल मेरा नंबर आया फिर वही अटकन अट आ गई उतना इतना डिफिकल्ट पार्ट ये भी गा मौसम काली घटाए अच्छा ऊपर से इतना नीचे हां इतना अब उसके अंदर वो क्लासिकल पार्ट गाना था अब मैं देख के मैंने कहा यार ये पार्ट मैं गाने लगा गाते गाते फिर वो डिफिकल्ट पार्ट आ गया फिर ऐसे ऐसे कर कर के वो मुझे आ, आ, मेरे मामा उस्ताद शराफत अली खान साहब okay. साजिद वाजिद सर के डैडी okay. उन्होंने याद किया मैंने कहा क्या मैं तो उन्होंने तबले पे तुम तीस मरे बसा धता ना ऐसे मुझे बाय याद कराया है मैंने वो याद करके दो दिन के बाद जब टेक किया और जब वो छपा और मार्केट में आया तो धमाल बल्ले बल्ले तो ये वो लाइफ का स्ट्रगल जो था जो मेहनत थी वो बहुत गर्म जब क्या बात है पहली बात तो शुक्रिया अपना इतना जो पर्सनल इंसिडेंट था वो ये मैं आज फर्स्ट टाइम शेयर किया एक गाना प्लीज काति लाना, काति लाना, काति लाना, काति लाना, अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे मार ही डालेंगे तेरे नैना नैना तेरे नैना नैना कातीला ना बड़े नैना नैना तेरे नैना 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 क्या बात है बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके और आपके गाने सुनकर और ये जो हमारा फन है ये और दुगना होने वाला है क्योंकि अब हम आपके साथ खेलने वाले हैं रैपिड फायर राउंड दो बातें जो आपके बारे में कोई नहीं जानता मेरे बारे में खाना और गाना ये तो सब जानते हैं नहीं ये पर्सनल कोई नहीं जानता ना मैं कब क्या खाता हूँ वो मालूम नहीं पता चलता गाना गाता हूँ मेरी फैमिली में सब लोगों को पता चलता है शबाब ये गाना आपने गाया था क्या, क्या बात कर रहे, रहे हो पता नहीं चलता मैं जब भी कोई गाना गा के आता हूँ मैं हाँ। हमेशा भूल जाता हूँ और जब जैसे मेरे गाना चलाओ ना नैनो से बांध रहे तो मैं गा के आया था मुझे मालूम नहीं कब क्या हुआ था दिल करे चूचे गा के आया था मालूम नहीं जब रिकॉर्ड आके फैमिली अरे कब गाया था गाना मुझे मालूम ही नहीं भाई आपके अलावा ऐसे दो सिंगर का नाम बता दीजिए जो अच्छा गाते हैं mm, मैं जिनको पसंद करता हूँ वो जी। तो मैं पहले रफी साहब और आज की डेट में अरिजीत सिंह आपने जितने भी गाने गाए हैं हाँ, मुझे तो मैक्सिमम जो आपके सॉन्ग्स हैं वो मेरे फेवरेट प्लेलिस्ट में हैं पर उनमें से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है देखिए हाँ बाप को अपनी औलाद सब अच्छी लगती है ठीक है मेरे ऑलमोस्ट सब मैं पहले तो ऊपर वाले का इतना शुक्रगुजार हूँ कि ऊपर वाले ने मेरी झोली में ऐसे ऐसे गीत दिए हैं चाहे वो क्लासिकल ठुमरी हो पवन उड़ाए बतियाँ वीर से और चाहे वो क्लासिकल आ, आ, तेरी जवानी का नोटिशन हो हम का पेनी हो दिल करे हैं चलाओ ना ननों से बांध तो सब अपनी अपनी जगह मकाम रखते हैं सब अच्छे हैं मगर मैं सबसे ज़्यादा जो पसंद करता हूँ वो मेरा सॉन्ग तेरी जवानी

मारना दे में नू इंतजार में अखिया से दो से चार करके लुड़ गया दिल कर चू के। के दिल चू चै चू चै चू थैंक यू वन थिंग जो आपको अपने बारे में पसंद है एक आपकी अपनी क्वालिटी सब लोग बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत शरीफ बहुत नेक जो आपको अपने बारे में लगता है मुझे आपको भी मुझे भी लगता, भी भी लगता। <laughs> है एक ऐसी कोई चीज जो आपको अपने बारे में नहीं पसंद ऐसा तो कुछ नहीं है जब भी मैं कोई चीज सोचता हूँ अपने कोई गाने को लेके जैसे रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ तो बस यही एक्चुअली वो भी पॉजिटिव में होती है कि ये काम मेरा हो जाए अच्छे से तो मैं आपको सिंगर्स के नाम दूंगी इनमें से आपको एक सिंगर को चुनना है जिसकी क्वालिटी जिससे कोई क्वालिटी आप लेना चाहेंगे ठीक है okay. तो नाम है पहला नाम है सोनू निगम श्रेया घोषाल अरिजीत सिंह सुखी पाजी या राहत फतेह अली खान साहब ये एक्चुअली पांचों के पांचों नाम आपने से ले दिए हाँ। मेरे तो आ, मैं तो सबको गुरु समान मानता हूँ और सभी अपने अपने मुकाम पे एक सिंहासन रखते, रखते हैं है, हाँ. और कमाल के आ, श्रिया जो क्वालिटी है वॉइस के जैसे आ, लता लता बाई की जो वॉइस की क्वालिटी थी मैं तो उनको सलाम करता हूँ ऐसे तो सिंगर ऐसी सरस्वती तो किसी गले में नहीं जो लता बाई की बात है मगर श्रेया इतना नपतुला गाती है बहुत खूबसूरत रही बात सुखी जी की तो वो तो हमारे गुरु समान है उनकी एक एक चीज़ उनका स्टाइल जो है उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया है एक एक अंदाज के कैसे लफ्ज़ों का एक भार कैसे प्रेजेंट करना चाहिए वो सुखी पा wow. सोनू निगम जो हैं वो एक फील के बेताज बादशाह हैं फील क्या कमाल की और रही आ, बात राहत भाई की तो राहत भाई को मैं बहुत पसंद करता हूँ राहत भाई की बात ही कुछ अलग है ऊपर वाले ने यही है जो मैंने बोला था ना कि यूं ही चल कर नहीं है तर्ज सुखन आया है पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो आया है।, है तो राहत भाई का ये मैं बोलता हूँ उन्होंने जो खिदमत की है बुज़ुर्गों की है वो और रही बात हमारे अरिजीत सिंह उनका कोई जवाब नहीं है बहुत फैंटेस्टिक सिंगर बहुत अच्छा गाते हैं और आज अपना मुकाम बना रखा है अगर जो क्वालिटी लेने वाली बात है हाँ तो जो चीजें मैंने रोमांटिक है, जो मैं बोलूंगी. Real life में है। true. आपको पता था एक दिन आप सलमान भाई के लिए फॉल्स शबाब ने गाना सिर्फ पैसों के लिए भी गाया है शबाब जी के लिए आसान है ओके okay. फास्टिंग <laughs> करना शबाब जी के लिए आसान है ट्रू अच्छा मैं रमजान में तीस के तीस रोज रखता हूँ थैंक यू हमारे शो में आने के लिए बहुत मजा आया बहुत मजा आया बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा है जी? आप लोगों का प्यार और आप लोगों का खलूस और थैंक यू आर बी बहुत मजा आया धमाल हुआ है और yes, एक से एक गाने हुए हैं और जल्दी हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे मिलेंगे हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा और प्यार आपके लिए थैंक यू सो मच थैंक यू हेलो जी मैं हूँ शबाब साबरी और आप देख रहे हैं आर विजन आर रागा प्लीज लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट एंड डू नॉट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन